नमस्कार, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अपने हर सेंटर पे बंजारा हिल्स, सनत नगर, मनीकोंडा और कोमपल्ली पे जुलाई में हर शनिवार फ्री फर्टिलिटी कैंप रख रहा है। अवश्य आइए, अपना फ्री वैल्यूएशन कराइए, ट्रीटमेंट ऑप्शन समझिए और ये जान लीजिए कि बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दिए गए हैं IVF पैकेज पर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब हम इनफर्टिलिटी के लिए हार्मोन की परीक्षा करते हैं उसमें FSH और AMH पे बहुत ध्यान दिया जाता है। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, AMH यानी एंटीमुलेरियन हार्मोन, ये दो ऐसे हार्मोन हैं जिनकी वजह से ट्रीटमेंट का निर्णय लिया जाता है। तो अगर हाई FSH हो या लो AMH हो, आपके डॉक्टर आपको ओवरीज में कम अंडे पल रहे हैं बोलेंगे, जिसका मतलब है लो ओवेरियन रिजर्व, यानी कि अंडे कम हो रहे हैं। तो ये कब हो सकता है? जब आपकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो ये FSH हाई और AMH लो देखा गया है। अगर आपको सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है तभी भी FSH हाई और ये AMH लो देखा गया है। ऐसे कुछ कारण है जिसकी वजह से FSH हाई हो सकता है और AMH लो हो सकता है। तो जब FSH हाई होता है इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा FSH जब ब्रेन रिलीज कर रहा है तब एक अंडा रिलीज हो रहा है, और अगर AMH लो है तो वो हमें बताता है कि ओवरीज में कैसा माहौल है, मतलब कि कितने अंडे हो सकते हैं आपके एज के मुताबिक अंडे। ये गिनती नंबर्स में नहीं किया जा सकता, बट एज के मुताबिक जितना रिजर्व होना चाहिए वो है क्या, ये देखा जाता है। तो AMH और FSH दो ऐसे हार्मोन है जिनकी वजह से आपके डॉक्टर उनके वैल्यूज के को देखते हुए आपके ट्रीटमेंट को डिसाइड करेंगे। आपकी उम्र 30 से कम है, FSH 10 से ज्यादा है, AMH 1 से कम है, इसका मतलब यह है कि आपके अंडे कम हो रहे हैं और आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट तुरंत ही लेने के लिए कहेंगे। तुरंत का मतलब ये नहीं है कि अगले महीने या एक दो महीने में कम हो जाएंगे, बट जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लेके प्रेगनेंसी पा सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। तो जब FSH 10 से ऊपर होता है इसका मतलब ये भी होता है कि आपके फर्टिलिटी डॉक्टर को अंडे बड़े करने के लिए इंजेक्शंस बहुत देने पड़ेंगे, इंजेक्शंस या टैबलेट्स बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कुछ अंडे पल सकेंगे और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकेंगे। तो इसकी वजह से जब आप ट्रीटमेंट के लिए आओगे, आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लग रहे होते हैं और किसी और को बहुत कम इंजेक्शंस लग रहे होते हैं। आपके इंजेक्शंस की वजह से कॉस्ट बढ़ रहा होता है और कई पेशेंट्स को कम खर्चे में ही ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ट्रीटमेंट के दौरान FSH को देखते हुए ही आपके डॉक्टर आपका डोसेज डिसाइड करेंगे। तो FSH और AMH ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।